Hey guys, welcome back to my new vlog. Good morning, namaste. Kaise hain aap sab? I hope you all are doing good and I'm good. बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं यहाँ पर आप लोग सुबह आज मेरी बेडरूम में कैसे हो गई तो बस बच्चे बाहर सो रहे हैं और मैंने सोचा मैं अपना ब्रेकफास्ट करके ले लूँ, तो ये मैं ले करके बैठी हूँ अपनी चाय और ये मैंने बनाया आज उपमा नाश्ते में, तो सोचा अपना ब्रेकफास्ट ही कंप्लीट कर लूँ जब तक ये लोग उठेंगे, बिकॉज इनके पीछे अभी लगना पड़ेगा मुझे उठाने के लिए कि उठो करके 9:30 बज गए हैं और बच्चे सो रहे हैं, बिकॉज ये लोग रात को देर तक जागते रहते हैं दोनों भाई बहन और अपना जो भी है चैनल का काम करते रहता है, सो रहे हैं तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर उठाती हूँ इन लोगों को आराम से 10 बजे अभी, है ना। फिर मिलते हैं आज पूरा दिन कि क्या होता है क्या नहीं। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे, है ना। दोनों को उठाती हूँ। One hour later. मेरे घर में दो गेमर बैठे हैं, एक ये कुड़ी तो दूजा मुंडा। हाँ देख लो जी, देखो ये दोनों मेरे घर के हैं। क्या हो तुम लोग, क्या हो तुम लोग, कैमरा आपके ऊपर ही है। देवी से हाय, कोमल से हाय। अलियो ये देख लो ये दोनों ये किसके साथ खेल रही है, फिर अकेले खेल रही है। ओह माय गॉड, देख लो धैर्य, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। हाँ अरे कुछ बोल दे मेरा सोना मुंडा, बोल दे। ये मेरी क्यूटी पाई है, एकदम से मेरी क्यूटी पाई है, देख लो मेरी एकदम क्यूटी पाई है, मेरी क्यूटी पाई। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। ये एकदम से कुटी पाई है और ये क्या है, और गर्मी तो इतनी है भाई साहब जिसकी कोई हद ही नहीं है, इतना गर्म लग रहा है, जगह जगह पर बारिश पड़ रही है और गर्म हो रहा है। खाना मैंने बना लिया है, आज बनाया है तुलिया की सब्जी ग्रेवी वाली और रोटी बना दिया है मैंने। पंखा चल रहा है फिर भी ऐसे लग रहा है कि बस पंखा झलते रहो इस तरीके से, है ना। अब पता नहीं इतनी गर्मी लगने लगी है, हम लोग तो बचपन में इतनी गर्मी नहीं लगती थी यार, है धैर्य। आपको गर्मी लगती है, नहीं लगती है? लगती है। ओ अम्मा सबको लगती है भाई, सबको लगती है गर्मी। चलो खाना हो गया है, छाछ वाँच निकाल दूँ फटाफट, थोड़े और काम कर लूँ उसके बाद फिर लंच करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आपको लंच पे। जब दिमाग खराब हो रहा तो उस दिन तो ज्यादा ही मस्ती सूझ जाती है कि बस आप कैसे भी अपने मूड को लाइट रखो और कूल रहो, जस्ट चिल फील कि कूल रहो, एकदम से कूल डूड बन के रहो, क्या ही कर सकते हैं, नहीं तो ये गर्मी आपका दिमाग है ना सटका देगी ऊपर से, देख लो भाई, देख लो काम का मारा, काम की मारी ये बेचारी, और ये दो नवाब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करते ये दोनों। ऐसा नहीं है, उठने के साथ दोनों बच्चों ने बहुत हेल्प करी है मेरी। धैर्य ने फटाफट सारे प्लांट्स बाहर रख दिए, पानी डाल दिए सारे प्लांट्स में, तो कोमल ने कुछ नहीं किया अभी तक। मेरे साथ अन्याय हुआ है। धैर्य ने किया है, धैर्य ने डस्टिंग भी की अच्छे से पूरे टूर में, अच्छे से डस्टिंग भी की, प्लांट भी रखा, पानी डाला और क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया। कोमल ने गद्दा लगाया और उस पर बेडशीट लगाई, ये सारा सब कुछ किया, अभी झाड़ू पोछा लगाएगी, है ना, देखते हैं और क्या करें, काम तो काम है। चलिए मिलती हूँ अब आपको लंच में। A few moments later. Amazon से ऑर्डर किया था कुछ सामान, वो आ गया है, लेट्स ओपन द पार्सल, कि पार्सल ओपन कर लेते हैं, देखते हैं सामान जो मंगाया था वो सही है या नहीं। ये देखिए कुछ मंगाए थे मैंने सप्लीमेंट्स बच्चों की जो है, तो ये
आँख की टैबलेट है, डॉक्टर्स ने उनको क्या बोलते हैं ये मल्टीविटामिन दिया हुआ है आईज़ के लिए, तो वो कुछ अमेज़ोन से मैंने हेल्थ कार्ड का एच के वाइटल्स का ऑर्डर किया था और कुछ और भी सप्लीमेंट्स, तो वो सारा सब कुछ आ गया है। अब इसको ओपन करके रख देते हैं। धैर्य, ये आ गई आप लोगों के आँख वाली सप्लीमेंट्स। डॉक्टर ने जो क्या बोलते हैं इन लोगों के ये मल्टीविटामिन लिखी थी आपके लिए, जो सप्लीमेंट लिखा था, तो उससे रिलेट करते हुए एच के वाइटल का ये हेल्दी वीजन जो है ना आँखों के लिए, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो डॉक्टर ने लिखा था ना उससे भी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि बच्चों को मैं यही दे रही हूँ और इवन मैं भी यही लेती हूँ। तो आँखों के लिए आप लोगों को बता दूँ कि ये आँखों के लिए है हेल्दी वीजन एच के वाइटल का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सीरियसली काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ मैं भी, बच्चे भी सब, बिकॉज क्या है कि मोबाइल पे आजकल जिसे भी देखो मोबाइल पे देखते तो आँखों की प्रॉब्लम तो होती ही है, चश्मा तो होता ही है, और चश्मा नहीं भी हुआ तो भी आँखों में जलन, खुजली एंड पेन करना, ये सब चीज़ें होती ही है। और जब आपको ज़्यादा ही इस पर स्क्रीन पर देखते तो फिर क्या बोलते हैं वॉमिटिंग सी होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था, जो उन्होंने लिखी थी मेडिसिन, तो वो मैंने इसमें देखा कि इसमें सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं। और फिर जब इसे यूज़ किया, डॉक्टर को पूछा कि मैं ये यूज़ करूँ, उन्होंने बोला आपकी चॉइस है। तो ये यूज़ करके देखा एच के वाइटल का, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो डॉक्टर ने कहा था उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव। तो ये आप लोग भी किसी को अगर आई विजन का प्रॉब्लम है तो ये सप्लीमेंट यूज़ करके देखो, पता चलेगा बहुत अच्छी है ये सप्लीमेंट। एच के वाइटल के सारे सप्लीमेंट्स अच्छे हैं। चलिए हे गाइस, ये देखो हम लोग बैठ गए लंच के लिए, और आज लंच में है तुरिया आलू टमाटर की सब्जी और मेरी फेवरेट ज्वार की रोटी, बच्चों की गेहूँ की रोटी और एक ग्लास छाछ का। क्या बात है, ये देख लो इन लोगों का चालू जाएगा, कुछ ना कुछ शुरू रहेगा इन लोगों का। और कट कर लिए टमाटर, बस मज़े ही आ जाने, और क्या चाहिए। तुम दोनों बताओ कैसा लगा खाना, खाया ही नहीं बताओ, जो खा रही है वो बताएगी। ये देखो हाँ आपका सबूत है, तो बोला आपने खाया है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक ठीक है, ठीक है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी ठीक ठीक है। अब जो पूछा उसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ मैं, ठीक ठीक है। देख लो इसकी बात सुन लो, ये लड़की झूठ बोलती है और ये लड़की पागल है पागल है पागल है। तो ये ना तारीफ नहीं करना चाहती है मेरी, तो झूठ बोलती है ये। और कल मैंने बनाया था इडली फ्राई, इतना टेस्टी था, मज़ा ही आ गया था इडली फ्राई खा के, है ना। और सुबह नाश्ते में बनाया था इडली चटनी, इडली चटनी मतलब इडली जिस दिन प्लान बनाने का प्लान होता है उस दिन थोड़ी ज़्यादा इडली बना देती हूँ, फिर वो शाम को फ्राई कर दे, तो मज़ा ही आ गया था, आज खाने का मन कर रहा है ना। बट बहुत टेस्टी है, हमें ठीक उसमें लड़ सब वेजेस डाल दो तो बहुत अच्छा है, सॉस डालना कुछ भी कुछ भी सॉस के साथ इडली कौन खाता है, कुछ भी है ना। चलो भैया खाना खाते हैं, भूख लगी है ना। ये सही टाइम है देखो लंच करने का, तुम लोग जो मुझे देर करवाते हो ना ये सही नहीं है, ये सही टाइम है खाना खाने का, जिससे क्या है कि आप अच्छे से खा सकते। ये सही टाइम है खाने का। शुक्र है ये पहले छाछ का ग्लास खत्म कर देता है भाई। वाटरमेलन होएगा, पहले छाछ का ग्लास खत्म कर देता है और बस खाना बाद में खाता हूँ। चलो कुछ 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 चलो लंच करके फिर मिलते हैं आपसे, क्या करते हैं क्या नहीं, देखते हैं क्या होता है ना।
ये दोनों गए थे मार्केट, धैर्य ने कपड़े चेंज कर लिए, ये दोनों गए थे मार्केट सामान लाने के लिए। और क्या लेके आए? घर का सामान कुछ लाने के लिए गए थे, और क्या लेके आए तुम लोग? हाँ, नाश्ते में क्या लेके आए? जलेबी और वड़ा लेकर के आ गए। धैर्य जलेबी और वड़ा खाने का है? हाँ? देखो कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ, बिना पूछे ये लोग लेकर आ गए जलेबी। हाँ। नहीं, सब खाएंगे। नहीं, ये डाइट कर रही है, सब खाएंगे। कोमल बोलती है मैं डाइट कर रही हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं मोटी हो गई हूँ। और फिर खा के बोलेगी अब मैं कल से करूंगी, कल से तो मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। क्या बोला तूने? हर बार ये सीरियसली बहुत बड़ा ये है कि हर बार यही बोलती है। ओ माँ, इतनी गर्मी पड़ रही है भैया, 10 बार भी नहा लो तो कम ही है। नहा के इंसान जैसे निकलता है वैसे तो फिर से पसीने में सराबोर हो जाता है, तो फिर करे क्या, है ना? चलो चलो चलो, अच्छा चलो बाबा चलो। ये देखो, ये दोनों आ गए फिर अपना काम करने के लिए यहाँ पे। जलेबी और बड़ा खा के मजा आया। जलेबी बहुत अच्छी थी, मेरे को बहुत मन था जलेबी खाने का। हाँ, मेरा भी मन था। जो इतनी एकदम स्वीट थी, एकदम ऐसा होता है ना, नहीं ऐसा होता है खट्टी लगती है ना, वो फिर वो नहीं थी ना, वो बढ़िया था, वो गर्मा गर्म थी ना, इसलिए मीठी थी। मार्केट से जहाँ से हम मतलब जलेबी लेके आते हैं ना, एकदम गर्मा गर्म बना के देता है वो, ऐसे रखता नहीं है स्टॉक, जैसे जो कस्टमर आके खड़ा होता है ना, तो फटाफट वो गर्मा गर्म बना के देता है। वड़ा भी एकदम गर्म गर्म मस्त और तीखा तीखा रहता है ना उसके साथ, जब वो चटनी और वो कड़ी बहुत टेस्टी लगता है। और एक तो वो जलेबी देखो ना कमल, कैसे वो क्रंची रहती है एकदम, वो कड़क कड़क रहती है ना, तो वो अच्छा लगता है। एक्चुअली था हाँ, मेरा और कोमल का चाइनीज समोसा बनाने का प्लान, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि सोचती रह गई कि बस ऐसे क्या डालूँ क्या करूँ, तो उसका कुछ बैठा नहीं रेसिपी, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो इसमें और ये दोनों भाई बहन घर का कुछ सामान भी लाना था, चलो बोले हम लेके आते हैं। और ये दोनों, इनको पता था मुझे भी जलेबी खानी है, ऐसे हम बोल रहे थे, तो दोनों खुद शॉपिंग करके आ गए कि चलो मम्मी को भी खानी थी जलेबी, और इसके पहले भी मंगवाया था, बहुत टाइम हो गए, तो इसलिए इनको याद आ गया कि गर्मा गर्म बड़ा और जलेबी लेके चले तो खाए, है ना? सेम आज भी वैसे ही हुआ ना, सेम इंसिडेंट हुआ आज भी। एक जन मिलने के लिए आए थे, उस दिन भी हम लोगों ने यही खाया था, जलेबी और गर्मा गर्म बड़ा। चलो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, ठीक है? आप लोग अपना खेलो, ठीक है? चलिए मैं भी जाती हूँ अपनी पूजा करूँ, सब वगैरह करूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। चलो। A few moments later. ये देखो ये दोनों भाई बहन की मस्ती, वापस जो तो घर में है ना, मुझे इतना परेशान करते हैं सच में। बाल गीले हैं, सूखने के लिए खुले कर दिए मैंने, इतनी गर्मी हो रही है ना, तो किचन में काम करते रहो तो फिर बाल तो आप खोल ही नहीं सकते सच में। ये देखो, वो छोटे ये मस्तियाँ तो ऐसी चलती रहेंगी। चलो मैं आपसे मिलती हूँ अब कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय, लव यू ऑल गाइस। और क्या और मेरी टैगलाइन की खुश रहिए और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करिए, है ना? और अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें आप लोग, कि अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें। छोटी छोटी मेमोरीज जो होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली। ये जो छोटे छोटे हम लोग करते रहते हैं ना ऐसे, ये सब है ना, जब ऐसा कभी बैठे रहो तो जब आप याद करो तो इतना मज़ा आता है ना, सीरियसली, उन चीज़ों को याद करके।
चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे कल कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट, जय माता दी, और लव यू ऑल गाइस। ये देखो इन दोनों भाई बहन की मस्ती, ये मैंने चुपचाप से लिया है, देखो ये देखो चुपचाप से लिया है इन दोनों की मस्तियाँ।